अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ बरबट्टी की भाजी। एक मैंने गुंडी ले ली हूँ बरबट्टी की भाजी। अब इसी को मैं तोड़ लूँगी, इसको मैं ऊपर का ऐसे करके निकाल लूँगी और बाकी सब है ना मैं छुरी से काट के आप लोग को मैं बताती हूँ। मैंने बरबट्टी की भाजी मैंने पूरी काट ली हूँ इस तरीके से। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने लगेगा उसके बाद में दो कांदा डाल देंगे, प्याज को भी मिला लेंगे। कली मैंने लहसुन ले ली थी, 8 मैंने हरी सूखी मिर्ची ले ली हूँ, इसको भी जार में डाल देंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच अच्छी धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको मैं पीस लूँगी जाड़ा मोटा। कांदा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, जब कांदा हल्का गोल्डन ब्राउन होएगा तो बरबट्टी की भाजी डाल देंगे। इसी में मैं 3 आलू कट करके डाल दी हूँ इस तरीके का। इसी में हल्दी डाल देंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपन लोग। थोड़ा तेल में इसको फ्राई कर लेंगे हल्दी नमक डाल के। मैंने अच्छे से भाजी को फ्राई कर ली, इस तरीके का फ्राई करके भाजी बनाएंगे ना कांदे में तो और अलग टेस्ट आता है। इसी में अब मैं जो मसाला पीसी थी वो दरदरा वो डाल दूंगी मैं। इसी में मैंने 2 टमाटर बड़ा कट करके डाल दी, ये सब भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके की भाजी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है। लहसुन थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है, सूखी मिर्ची और मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसको ढक्कन ढक देंगे और इसको सिलो आँच पे मीडियम रखेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो भाजी का पानी है और आलू है सब उसमें ही गल जाएगा भाप से। ढक्कन खोल के देख लेते हैं, भाजी अपन सिलो आँच पे रखे थे। एक बार चम्मच चला के देख लेंगे, देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम अच्छे से अपनी भाजी हो गई है, आलू भी गल गया है, एकदम टेस्टी मज़ेदार भाजी बनकर तैयार हो चुकी है अपनी। इसमें पानी नहीं डालने का क्योंकि टमाटर का पानी और भाजी का पानी छूटता है, उसी से अपना भाजी अच्छे से हो जाती है। पानी डालेंगे ना तो अलग टेस्ट हो जाएगा इसमें। इस तरीके का एकदम आसान तरीके से और टेस्टी भाजी बनके तैयार है अपनी। अब इसी को मैं एकदम अच्छे से भूज लूँगी। भाजी एकदम अच्छे से मैंने भूज ली हूँ, देख सकते हैं आप। कोथमीर डाल देंगे, कोथमीर डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अपनी बरबट्टे की भाजी बनके तैयार हो गई है, अब इसी को सर्व कर लेते हैं। अभी मैं इसको प्लेट में सर्व कर लूंगी। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी टेस्टी भाजी बनी है, सादी भाजी है ये, रोटी के साथ में खाइए बहुत मज़ेदार बनती है ये। माशाल्लाह देख सकते हैं अपनी भाजी बनके तैयार हो गई है। बरबट्टी की भाजी पे थोड़ी कोथमीर डाल देंगे अपन लोग। इसी पे हम गर्मा गर्म रोटी रख ले, इसी पे हम गर्मा गर्म रोटी तोड़ेंगे, ये भाजी पे लगाएंगे। देख सकते हैं भाजी एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गई है। इस तरीके की भाजी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मज़ेदार लगती है। मैं आप लोग को खा के बताती हूँ बरबट्टी की भाजी। अगर रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।